खुद को हेमा मालिनी समझती हो क्या? क्या खुद को हेमा की तरह खूबसूरत समझती हो? पहले लोग इसी तरह की बातें उस लड़की को बोलते थे जो खुद को इटलाती थी या खुद को खूबसूरत समझती थी। जी हाँ, हेमा मालिनी जो है, आपको बताएं कि 70-80 का दौर हो या 90 का दौर हो, खूबसूरती का हमेशा पैमाना मानी जाती थी कि कोई लड़की अपने आप को बहुत सुंदर समझती थी या इठलाती थी तो लोग जो उसको कहते थे खुद को हेमा मालिनी समझती है। तो आज उसी हेमा मालिनी की बात करेंगे। हेमा मालिनी जो कि ड्रीम गर्ल कहलाई, 70 का दशक जो था वो उनके करियर का कह सकते चरम था और बहुत सारी हिट फिल्में जो हैं हेमा मालिनी ने दी। हेमा मालिनी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। आपको बता दें कि फिल्म हम तेरे आशिक हैं में जो हेमा जो है जितेंद्र के साथ काम कर रही थी और इसी फिल्म में अरविंद त्रिवेदी भी काम कर रहे थे, जो जिन्होंने जो है रावण का रोल किया था। रामायण में जो है रावण का रोल निभाकर वो घर घर में मशहूर हुए, लेकिन उस दौरान जब वो हेमा के साथ फिल्म में काम कर रहे थे तो एक साइड आर्टिस्ट थे और फिल्म के एक सीन में जो है उनको हेमा मालिनी को ज़ोर से थप्पड़ मारना था, लेकिन अरविंद त्रिवेदी जो है हेमा मालिनी को थप्पड़ मार ही नहीं पा रहे थे और इस तरह करके करीब 20 थप्पड़ उन्होंने मारे लेकिन एक भी शॉट जो है परफेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली जो है फिल्म के जो मेकर्स थे, हेमा मालिनी भी सब परेशान हो गए क्योंकि 20 टेक लिए, उन्होंने 20 थप्पड़ हेमा को जड़ दिए लेकिन शॉट ओके नहीं हुआ। तो फिर हेमा मालिनी ही खुद सामने आई, वो बोली कि आप मुझे एक स्टार क्यों के तरह क्यों देख रहे हैं, आप बस मुझे कलाकार समझिए और इस तरह से जो है आप मुझे थप्पड़ मारिए। जब हेमा मालिनी ने जो है उनको कॉन्फिडेंस दिया, उनको बताया कि मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, आप मुझे थप्पड़ मार सकते हैं क्योंकि एक फिल्म का सीन है, तब उन्होंने जो थोड़ी हिम्मत जुटाई और उनको एक ज़ोरदार चाटा जो है रसीद किया और तब वो जो है शॉट ओके हुआ। तो अरविंद त्रिवेदी जो है अभी पिछले दिनों ही उनके निधन की खबर आई थी और रामायण सीरियल से जो है उनको पॉपुलैरिटी मिली थी। वहीं हेमा मालिनी की बात करें तो हेमा मालिनी जो है आज बहुत ज़्यादा फिल्मों में नज़र नहीं आती, लेकिन आज वो एक राजनेता के तौर पर जानी जाती हैं। बीजेपी की सांसद हैं, मथुरा से वो कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं और जीत चुकी हैं। हेमा मालिनी का जो कह सकते हैं कि 1968 में जो है बॉलीवुड में उन्होंने एंट्री ली, सिर्फ 11वीं पास थी तब उन्होंने जो है फिल्मों में काम करना शुरू किया और पहली फिल्म उन्होंने जो है तमिल में की और तमिलनाडु से ही हेमा मालिनी है। 16 अक्टूबर 1948 को उनका जन्म हुआ था और हेमा मालिनी जो है तमिल ब्राह्मण फैमिली से थी, उनके माता पिता ने उनको डांस की ट्रेनिंग दिलवाई थी और इसी डांस की बदौलत जो है हेमा मालिनी को फिल्मों में काम करने का मौका मिला। तमिलनाडु में उनकी पहली शुरुआत हुई, तमिल फिल्म से उन्होंने शुरुआत की, लेकिन 1968 में सपनों का सौदागर फिल्म से जो है बॉलीवुड में वो आईं और जब उनको बॉलीवुड में लाया गया तब उनको जो है ड्रीम गर्ल के तौर पर जो है पेश किया गया और बाद में जो है 1977 में उन्होंने ड्रीम गर्ल नाम की फिल्म में काम भी किया। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ 28 से ज़्यादा फिल्में की और कहीं ना कहीं हेमा मालिनी का करियर जो इतना चमका उसमें धर्मेंद्र का भी योगदान रहा। हेमा मालिनी ने अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, राजेश खन्ना समेत उस दौर के सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया और अपनी पहली दूसरी फिल्म से ही जो है अपनी खूबसूरती की बदौलत वो लोगों के दिलों पर छा गई। ये कह सकते हैं कि 70 के दशक की वो जो है नंबर वन एक्ट्रेस थी, चाहे खूबसूरती हो, चाहे डांस हो या फिर हिट फिल्मों की बात करें तो हेमा मालिनी के खाते में बहुत अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी फिल्में हैं। हेमा मालिनी भले ही अब कह सकते हैं कि उनकी उम्र हो गई है, वो अब एक्टिंग छोड़ चुकी हैं, वो राजनीति में हैं, लेकिन हेमा मालिनी का ज़माना जो है सालों याद करेगी दुनिया।